हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं हाजिर हूँ बच्चों के मनपसंद स्माइली कुकीज़ के साथ, और इसे देख के तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं, और आप ही जब इसे देखेंगे तो तुरंत बनाने का मन करेगा। तो चलिए अब टेस्टी से ये स्माइली कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम गेहूँ का आटा, आप मैदा भी ले सकते हैं, और ये 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कुटी हुई इलायची, इसे हम मिक्स कर देते हैं। और ये हमने लिया है 1/4 कटोरी देसी घी, इसे पिघला लिया है, और इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे, घी को मिलाते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे हाथों की सहायता से, जिसे हम मोयन देना कहते हैं, जिससे जो ये कुकीज़ है ये बहुत ही खस्ता बनेगी। सारे घी को हम मिला देते हैं और फिर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए घी अच्छे से मिक्स हो चुका है, और बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए आटा। तो अब ये आटा तैयार है। तो अब हमने लिया है चीनी की चाशनी, ये 500 ग्राम आटे के लिए 200 ग्राम की चीनी की चाशनी हमने तैयार कर ली है। इसमें आप चीनी लीजिए और उसका आधा पानी मिला लीजिए और उस पर फिर पका लीजिए। इसमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे हल्का सा चिपचिपा कर लेना है। बस देखिए बिल्कुल इसी तरीके से, और ये चाशनी तैयार है। तो अब यहाँ हमने आटे में थोड़ा थोड़ा मिला के इसे गूंथ लेंगे। और इसे मिलाते हुए गूंथ लेंगे और इसे बिल्कुल सख्त सा डो बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। और देखिए इस तरह का जब हो गया है आटा, तो इसमें मिठास पूरी आ चुकी है, और अब अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो और चाशनी मिला लें, या फिर अब हम इसे पानी से गूंथ लेंगे ताकि बस इतना ही मिठास सही रहे। तो यहाँ आटा हमने गूंथ के तैयार कर लिया है, और देखिए बिल्कुल इस तरीके से, न तो बहुत लूज है और न ही बहुत टाइट है। तो बस इसे ढक के हम साइड में रख देते हैं। तो अभी हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये अच्छे से गर्म हो जाए फिर अब हम इसमें कुकीज तलेंगे। और यहाँ आटे में से हम इस तरह की लोई निकाल लेंगे, और अब इससे हम एक मोटी रोटी बना के तैयार कर लेंगे। तो बस बिल्कुल इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे या घी, थोड़ा सा चिकना करने के लिए, और बस बेलन की सहायता से इसे हम मोटी रोटी बना के तैयार कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, पतली भी नहीं। और इस तरह से एक हमने छोटे से गिलास से काट लिया है, आप चाहें तो इसे कुकीज़ कटर से काट सकते हैं अगर आपके पास है तो। और बस ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम हटा देंगे। तो अब इसका डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक चाकू ले लिया है, आप कोई भी नुकीला चीज ले लीजिए और स्माइली फेस बना डालिए। और एक तरह का स्पून लेंगे, थोड़ा सा मोटा, और इससे हम इसका मुंह बना देते हैं स्माइली, थोड़ा सा बड़ा ही बनाएं ताकि पकाते समय इसका जो शेप है वो बना रहे। बस बिल्कुल इसी तरीके से हम सारी स्माइली फेस बना के तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से बनाते जाएंगे हम। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाइए, और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है। देखिए लग रहा है ना मज़ेदार। बस इसी तरीके से हम स्माइली फेस बना के तैयार कर लेंगे, और जो बचे हुए आटे को भी हम इसी तरह से बेल के
स्माइली कुकीज बना लेंगे। बस ये हमने कुछ स्माइली कुकीज बना लिया है, तो अब चलते हैं इसे तलने। इसके लिए हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये गर्म हो चुका है अच्छे से। तो बस अब इसमें हम स्माइली कुकीज को डालते जाएंगे, जितना आसानी से तेल में आ जाए। और तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, और फिर हम जब कुकीज डालेंगे तो आंच को बिल्कुल ही धीमी कर देंगे। अगर आंच तेज रहेगी तो कुकीज का शेप बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। बस इसे सिकने देते हैं। ये देखिए हल्का सा सिक चुका है, कलर चेंज होने लगा है, तो अब इसे हम पलट देंगे। और बिल्कुल धीमी आंच पर इसे सेक लेंगे। अब चाहे तो आप आंच बढ़ा सकते हैं। और देखिए ये कितना प्यारा सा गोल्डन कलर सा स्माइली कुकीज हमारा बनके तैयार हो गया है। तो बस अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। और बाकी की जो स्माइली कुकीज है उसे भी हम तेल में डाल देते हैं पकने के लिए। बिल्कुल उसी प्रोसेस से हम पकाएंगे, आंच को धीमी रखेंगे, फिर जब थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो आंच को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। अब इसे भी पलट के सेक लेते हैं। और ये देखिए ये भी स्माइली कुकीज अब अच्छे से पक के तैयार हो गया है। तो बस इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे बाहर। तो इसी तरह स्माइली कुकीज आप भी बनाइए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि स्माइली कुकीज कैसी बनी है। तो बस इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।